अटोमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। अटोमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म ये कहती है कि अगर आप कोई भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आओ, देखो सब्सटेंस मैग्नेटिक लेके आना है, मैग्नेटिक सब्सटेंस का बेस्ट एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक, आयरन, लोहा, लोहा जो है या आयरन जो है फेरोमैग्नेट मैग्नेट है, तो ये एक मैग्नेट नहीं है, लेकिन हाँ इसको बहुत आसानी से मैग्नेट बनाया जा सकता है, ये भी क्लियर है। तो अब इसमें अगर मान लो आप एक आयरन का पीस लें, उसका एटम उठाएं, उसके एटम में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे ऑर्बिट में, तो कैपिटल एम जनरेट करेगा, तो यानी कि उसका जो एटम है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोई भी अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका अगर कोई एटम है वो इट्सेल्फ एक मैग्नेट है। मतलब एक एक अगर 10 लाख एटम है तो 10 के 10 लाख मैग्नेट्स हैं आयरन के अंदर, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। फिर कमाल की बात यह है, अगर उसमें 10 लाख मैग्नेट्स हैं तो फिर वो ओवरऑल मैग्नेट क्यों नहीं है, लोहा लोहा क्यों है, फिर मैग्नेट क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि हर एटम का डायपोल मोमेंट होगा कैपिटल एम, तो इनकी ओरिएंटेशन ऐसी होती है कि ये आपस में चेन्स बनाते हैं सच दैट एक का डायपोल मोमेंट दूसरे के डायपोल मोमेंट से क्या करता जाता है, कैंसल, बिकॉज डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप सोचो अगर 10 लाख 1 करोड़ एटम्स हैं, सबका डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है तो आयरन आयरन ही रह जाता है, मैग्नेट नहीं बन पाता। लेकिन जैसे आप उसको बाहर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, उसके सारे एटम जो कि मैग्नेट हैं वो एक तरफ ओरिएंट हो जाते हैं, कैपिटल एम की डायरेक्शन एक तरफ हो जाती है। ये कुछ नहीं, एरो कुछ नहीं है, ये एरो पता है क्या है, ये एरो है, ये जो एरो है ये शो कर रहा है ये एक एटम का डायपोल मोमेंट है, कैपिटल एम वेक्टर, कैपिटल एम वेक्टर, ऐसे एक एटम के अंदर डायपोल मोमेंट है। तो जब आप उन्हें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सारे के सारे एक तरफ पॉइंट आउट हो जाते हैं, क्योंकि कैपिटल एम कहां से कहां होता है, साउथ से नॉर्थ। और इमेजिन करो मैंने यहां पर क्या किया, बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया नॉर्थ एंड साउथ, तो सारे नॉर्थ जो है साउथ की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देते हैं और सारे साउथ पीछे हो जाते हैं। तो ये आयरन विल एक्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, क्योंकि सारे कैपिटल एम आपस में ऐड करके एक वेक्टर रिजल्ट बड़ा रिजल्ट दे देते हैं, इसीलिए आयरन बहुत जल्दी मैग्नेट बनता है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी बनता है। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पहला पॉइंट यही है, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस वेदर मैग्नेटाइज और नॉट मैग्नेट, अगर मैग्नेटाइज है तो भी नहीं है तो भी, मैग्नेट तो हर एटम है ही है मैग्नेटिक सब्सटेंस का। दूसरा, अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस में मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, तो ये क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, एंड दे फॉर्म क्लोज चेन्स, रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म इज जीरो। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन मैग्नेटाइजिंग अ सब्सटेंस सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक तरफ लाइन हो जाते हैं एंड द सब्सटेंस एक्ट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। और लास्ट पॉइंट है, ऑन हीटिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर आप इन्हें गर्म करते हैं तो ये एनर्जी लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में बाय नेचर ये ऐसे ही रहना पसंद करते हैं, जबरदस्ती आपने किया हुआ है, तो जब इन्हें हीट करेंगे इनको एनर्जी मिलेगी, ये अपनी ओरिएंटेशन वापस ऐसी कर लेंगे, तो दे विल लूज मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लूज करते हैं और वापस लोहा बनना पसंद करते हैं। तो किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को जब गर्म किया जाता है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करता ही करता है। ठीक है, यहां तक। तो ये है आपकी थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म।